मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कर लिया था कि अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड के ऊपर तो आई कैसे निकालना है बाय इंटीग्रेशन। हमने इसके बाद ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन भी कर लिया था जिसमें सिग्मा के बने डिस्क का और मैंने तरीका बताया था सिग्मा चेंज करे जाएगा और आई की वैल्यू निकले जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। मैं 76 क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ। कितने में ट्राई किया वैसे ये हो गया देखो कैसे। देखो इसमें आपको ना तीन सॉलिड स्फेयर गिवन है, देख रहे हो तीन स्फेयर्स हैं। आपको क्वेश्चन में इसका जो डायमीटर है एक स्फेयर का वो डी गिवन है, तो रेडियस क्या होगा डी बाई टू, ये भी क्या होगा डी बाई टू, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ डिस्टेंस कितना डी, डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना हो गया डी, ठीक है। ये केस है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। ओ पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पॉइंट ओ है, पहले इसके अबाउट निकालो, फिर इसके अबाउट निकालो ए पॉइंट के अबाउट, और फिर दोनों की रेशियो निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे अबाउट पॉइंट ओ, तो पहले ओ के साथ काम करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक। कैसे निकलेगा इसको समझो, सबसे पहले बी का निकलेगा, बी का निकलेगा, फिर आप उस एक्सिस को किस पे शिफ्ट करेंगे, इस पे शिफ्ट करेंगे, फिर इसका निकलेगा इस पे शिफ्ट करेंगे, इसका निकलेगा इस पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका मोमेंट इनर्शिया होगा क्या, हाफ 2/5 mr² डिस सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² में r क्या है d बाई टू, लेकिन मेरा एक्सिस तो ये है जिसके ऊपर निकालना है, तो अब मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कोई बताएगा ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है ये बताओ, कितना डी बाई रूट थ्री, कैसे ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है डी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है 60, तो अगर ये 60 तो ये साइड कितनी है डी साइन 60 है ना, डी साइन 60, और मेरे को ये पता है कि इसके अंदर ये जो साइड देख रहे हो ये वाली, ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड जो होता है वो डिवाइड करता है इसे इन रेशियो 2:1, क्या हुआ है 2:1 मैथ्स का रिजल्ट है, सेंट्रोइड 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, टेंथ में किया है, क्या हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा 2/3, 2+1 3 इन टू डी साइन 60, ये लो ऐसे आएगा ये डिस्टेंस, ये राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डी है, ये 60, तो डी साइन 60 टोटल मैथ्स साइन 60 दिस साइड बाई डी, डी साइन 60, और ये सेंट्रॉइड है 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये हिस्सा क्या बनेगा 2/2+3 इंटू डी साइन 60, रेशियो प्रोपोर्शन 2:1 में अगर डिवाइड करना है तो 2/2+1 इंटू डी साइन 60। तो ये मैथ्स का रिजल्ट है टेंथ का, तो आप अपने मैथ लगा के डिस्टेंस निकाल लेना, अब आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, पूरे स्फेयर का निकालोगे प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इस स्फीयर का निकालोगे प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इस स्फीयर का निकालोगे 2/5 mr² प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, आई ओ आ जाएगा। जब आई ऑफ ए निकालना होगा, ये निकालना है, तो इसके अबाउट आई क्या होगा 2/5 mr²
इसके अबाउट क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। इसका क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर, ऐड करके आई ऑफ ए आ जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन है ये, ट्राई करना है आपने, पर मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। ठीक, जैसे नेक्स्ट ये वही है, डिस्क रो गिवन है, जैसे लास्ट टाइम डिस्क रिंग से बनी हुई है, सेम क्वेश्चन है रो, बस फॉर्मूला चेंज है। ये भी सेम है, सिग्मा का फॉर्मूला चेंज है, वही डिस्क वाले सेम प्रॉब्लम है, कोई रिपीट नहीं है। मेरे को जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो करना है ये वाला, ये एक नया क्वेश्चन है, ये तीन बार कॉम्पिटिशन में मेंस में आया हुआ है, तीन बार, और ये नीट में भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को पढ़े, देखो क्वेश्चन ये है, आपके सामने एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगुलर शीट है, मतलब लैमिना है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, इसके आपने चार हिस्से किए हुए हैं, एक दो तीन और चार, चार इक्वल हिस्से हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी पॉइंट के अबाउट क्वेश्चन में गिवन है कितना, आई नॉट है, गिवन है आई नॉट है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल के मास को निकाल के फेंक दूँ और कैविटी बना दूँ, तो रिमेनिंग फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है जी पॉइंट के अबाउट ही। तो फिर से कटिंग वाला केस आ गया, ट्राइंगल का टोटल ट्राइंगल का आई नॉट है, ट्राइंगल को उठा के फेंक दिया छोटे को, तो बचे होकर निकालना आंसर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, बड़ी समस्या ये है कि मेरे को ट्राइंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला आता ही नहीं। डिस्क होती तो मैं लगा देता हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग होती तो लगा देता एम आर स्क्वायर, पर मेरे को ट्राइंगुलर लैमिना का तो पता ही नहीं। और सच अगर पूछोगे सर आपको पता है, मेरे को भी नहीं पता। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो टेक्निक सीखो। टेक्निक ये है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल की साइड ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड कितनी है, ए है। तो अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी पॉइंट के अबाउट निकाल ले, जो कि कितने हैं, आई नॉट है, इसका फॉर्मूला मुझे पता नहीं, हाँ पर इतना पता है टोटल मास अगर पूरे ट्राइंगल का एम है और साइड ए है, तो सम नंबर इंटू एम ए स्क्वायर आएगा, कोई नंबर इंटू एम ए स्क्वायर आएगा। अब वो नंबर क्या है तो मुझे भी नहीं पता, 2/5 है कि 7/2 या हाफ है, मुझे नहीं पता, कुछ तो है, के लगा लो कोई बात नहीं। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब ये बताओ कि कटा हुआ ट्राइंगल है, इसका मास कितना है, एम बाई फोर, टोटल अगर एम है तो ये 1/4 हिस्सा है एम बाई फोर, और अगर ये ए है तो ये साइड कितनी है, ए बाई टू, आधी ए बाई टू। तो इस कटे हुए ट्राइंगल का जो कट किया गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, के इंटू एम बाई फोर इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आई ओ है और आई कट कर दिया, क्या ये स्टेप क्लियर है, सही। एक काम करते हैं, इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके सब टर्म्स कट सॉल्व हो जाएंगी, कट जाएंगी, और मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 1/16। चेक करना ही आ रहा है, तो मेरा जो आंसर आएगा कट पोर्शन का वो आएगा आई नॉट बाय 16। ठीक है, तो क्या स्टेप क्लियर है, डिवाइड कर लो ना, कैसे के कैंसिल, पर मेरे को तो रिमेनिंग का निकालना है, तो कोई बात नहीं, रिमेनिंग का क्या होगा, टोटल क्या था, आई नॉट, कट हुए पोर्शन का क्या है, आई नॉट बाय 16, माइनस करके क्या आएगा, 15 आई नॉट बाय 16 ही आंसर। क्या ट्रिक है, तो के की फॉर्म में लिख लिया, डिवाइड करके आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे किया। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो पहले टोटल का आई नॉट लिख लिया, सम कांस्टेंट एम ए स्क्वायर, छोटे ट्राइंगल का मास निकाल लिया, साइड निकाल ली, तो इसका भी आ गया, डिवाइड करके आई कट आई नॉट बाय 16 आ गया, पर हमने रिमेनिंग का निकालना है, तो आई नॉट में से माइनस करके आंसर आएगा।
क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस r है, इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, तोड़ दिया सॉलिड स्फीयर को. फर्स्ट पार्ट हैज अ मास ऑफ 7m/8, तो दूसरे का क्या होगा? m/8. और फर्स्ट पार्ट को किस में बना दिया? डिस्क में, ऑफ रेडियस 2r. सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. तो I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ न्यू स्फीयर. तो रेशियो निकालनी है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेंसिटी तो सेम ही होगी, तोड़ने के बाद भी मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं. तो टोटल मास अगर m था और टोटल वॉल्यूम 4/3πr³ था स्फेयर का, मैंने क्या किया? इसको तोड़ दिया. तोड़ के एक डिस्क बनी, एक स्फेयर बना. जो स्फेयर बना उसका मास कितना है? m/8. और स्फेयर का रेडियस कितना है? r1. तो मास अपॉन वॉल्यूम फिर से इक्वेट कर दिया. कटे हुए जो नया स्फेयर निकला उसका मास m/8 है, उसका रेडियस r1 है, इक्वेट करके r1 निकाल लिया. जो डिस्क बनी थी उसका रेडियस गिवन है 2r. जो स्फेयर बना उसका रेडियस कितना है? r/2. तो तुमने i की रेशियो निकालनी है. एक बार डिस्क की हाफ mr² डिस्क के लिए, डिस्क का रेडियस 2r गिवन है और मास 7m/8 है, और स्फेयर के लिए 2/5 मास ऑफ स्फेयर इंटू रेडियस ऑफ स्फेयर का स्क्वायर. अब कर लेना सॉल्व. पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि दो बॉडीज का एक में एक रेडियस तो गिवन है और दूसरा रेडियस कैसे निकाला? डेंसिटी को इक्वेट करके निकाल दिया. कोई डाउट है इसमें? डेंसिटी सेम, टोटल मास m है, m तोड़ दिया गया डिस्क और स्फेयर में, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. जो नया स्फेयर निकला उसका मास m/8 है, नया वॉल्यूम ये रहा तो r1 आ गया. अब जो डिस्क निकली उसका रेडियस 2r गिवन ही है, जो स्फेयर निकला उसका रेडियस r/2 है. तो एक बार डिस्क का फॉर्मूला, एक बार स्फेयर का फॉर्मूला डिवाइड करके आंसर. ठीक है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो मोमेंट इनर्शिया करने में एफर्ट है, ये बात तो पक्की है. मतलब ये ऐसा केक वॉक नहीं है कि अच्छा अच्छा हम रात को बैठेंगे 10-11 बजे और सुबह तक ना 1 बजे तक सारा हो ही जाएगा. नहीं होगा, तुम अटकेंगे, पक्का अटकोगे. तो तुम्हारे सामने इसमें थोड़ा सा ब्रेन लगता है, दिमाग लगता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए इतना करवाया जा रहा है क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं कंपटीशन में दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते. अब वैसे जो मर्जी ऐसे बोल दो, हो गया खत्म. स्फेयर का 2/5 mr², रिंग का mr², डिस्क का हाफ mr². अब जिस दिन किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया उस दिन आता कुछ नहीं है, बात पक्की है. तो तुम्हें आइडिया तो हो रहा है कि, लेकिन एफर्ट तुम नहीं करना पड़ेगा. तुम ये ना सोचो कि मैं करवाऊंगा तुम्हें आ गया, बिल्कुल भी नहीं. मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, करना तुम्हें बैठ के पड़ेगा ही पड़ेगा एक बार फिर से. इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि तुम्हें आ गया, तुम्हें नहीं आया. तुम्हें सॉल्व करके आंसर जब तक नहीं आता तुम्हारा नहीं आया. ठीक है यहाँ तक? हाँ, मेरा काम है हिंट देना, मैं हिंट देता जा रहा हूँ. एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो अटक सकता है, वो ये क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन है, 7 डिस्क हैं, ये 7 डिस्क पड़ी हुई हैं और आपको इस कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट पॉइंट पी कोने के. ओ नहीं, पी. तो रूल बड़ा सिंपल है, पहले निकलेगा ओ के अबाउट सभी का, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करके किसका निकलेगा? पी का. ओ और पी में डिस्टेंस कितना है? हर का रेडियस आर है, ये आर है, ये 2r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 3r है. तो करें स्टार्ट. ओ का कैसे निकलेगा? ओ का खुद का हाफ mr² है, पड़ोस का क्या है? हाफ mr² है, प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से मास इनटू 2r का स्क्वायर भी है. ठीक है, ऐसे ही है. तो पहले हाफ mr² तो है ही है. इस पड़ोसी का क्या है? हाफ mr² प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर और इनटू 6, क्योंकि 6 बार है, 6 है ना, ऐसे 6 बार करना पड़ेगा. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? मैंने किया भी हुआ है. तो हाफ mr² तो है ही है ओ के अबाउट, और 6 टाइम्स हाफ mr² प्लस m into 2r का स्क्वायर. तो चलो, आई ओ आ गया.
तो किसी तरीके से आपने ओ के अबाउट आई निकाल दिया, पर आपने पी पे निकालना है। थ्योरम ऑफ पैरेलेक्स से ध्यान से लगानी है, पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ओ के अबाउट प्लस मास इंटू 3R का स्क्वायर। मास क्या लें? 7m, क्योंकि मास लिया जाता है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास 7 तो डिस्क है, 6 डिस्क यानी 7 डिस्क है, और 7 डिस्क का टोटल मास कितना है? 7m इंटू 3R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में लोग m लिख देंगे, जल्दबाजी में 6m लिख देंगे, 7वें डिस्क भूल जाएंगे। सभी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, ओ पॉइंट पे 7 तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास पड़ा हुआ है, और 7 तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर पड़ा हुआ है? यहां पे। तो यहां पे P के अबाउट क्या होगा? O के अबाउट प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास क्या लें? जो मास यहां पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे, भाई अब यहां पे तो 7 तो डिस्क का पड़ा हुआ है 7m, हर का m है तो 7 डिस्क का तो 7m हो गया ना, इनटू 3R का स्क्वायर आंसर। ठीक, तो ये इसका आंसर है। ये हमने कर लिया, हाँ कर लिया। एक नोट कर लें चीज, इसमें करवाई नहीं है कि एक क्यूब का अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो उसका आई का फॉर्मूला नोट कर लें, एम ए स्क्वायर बाय 6 है। वही लैमिना वाला ही होता है, स्क्वायर लैमिना और क्यूब वन एंड द सेम थिंग। पता है क्यों? क्यूब की कटिंग करो, शीट्स निकलेंगी, लैमिना निकलेंगे, हर लैमिना का एम ए स्क्वायर बाय 6 है, तो क्यूब का भी एम ए स्क्वायर बाय 6 है। नोट कर लें, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, एम ए स्क्वायर बाय 6। और कोई 100 तक? ठीक है, कर लो और ट्राई कर लो, और दोबारा सेशन लगा लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करके आओ, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं।